बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के स्पेशल वीडियो में हम लिब्रा बुर्ज मीजान यानी तुला राशि के हवाले से बात करेंगे। आज से लेकर साल के आखिर यानी 31 दिसंबर तक राहु केतु और साथ में शनि भी मचाएंगे धमाल। याद रखिएगा, तीन सैयारों का ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन हर लिहाज से भरपूर फायदे आप देखोगे। तीन वक्री सैयारे अपना ट्रायंगल भी बना रहे हैं, उसका भी फायदा देखेंगे। सुपर रिच ज़ोडियक साइन यानी कि हम बात करें लिब्रा के हवाले से काफी कुछ बदलते हुए काफी बड़े फायदे उठाते हुए नजर आएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु जो है वो शनि के नक्षत्र पे जा चुके हैं। इससे पहले बड़े बड़े नुकसान आप तमाम लिब्राज ने उठाए, कारोबार का, जॉब का नुकसान यानी जॉब का बार बार चले जाना या जॉब के अंदर दुश्मनों का एक्टिव होना, आपकी डिमोशंस या आपके प्रोमोशंस में डिले करवाने की वजह बनना, सैलरी में डिडक्शन करवाने की या इस तरह के बड़े बिगड़ते मामला आपने देखे अपने करियर के हवाले से, कारोबार का सही ना चलना, मंदी का शिकार होना, रेवेन्यू सही जनरेट ना कर पाना, इस तरह के मामला भी हुए यानी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने माजी में फेस किए। पिछले 7 महीने में जो बड़े नुकसान उठाए, अब ये 5 महीने ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर राहु का जो है वो शनि के नक्षत्र पे जाना, यानी एक तो शनि का वक्री होना और शनि का फायदा राहु की वजह से मिलेगा और राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएंगे। यानी राहु का क्या काम है, डबल माइंडेड करना, आपको कंफ्यूज करना, आपसे जल्दबाजी के फैसले करवाना जिससे बड़ा नुकसान हो जाए, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके पैसे देके नुकसान करवा लेना या किसी को अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, इस तरह के बड़े मामला राहु करवाता है जो आप नहीं करवा पाएगा। वजह यह कि इसका जब शनि के नक्षत्र पे जा चुका है और इसके फायदे आपको देना अभी से शुरू हो चुका है, काफी जो लिब्राज हैं उनको अपनी जिंदगी में बड़े फर्क नजर आ रहे होंगे जो वो कमेंट्स में बताएंगे, और नहीं नजर आ रहे तो आइंदा 5 महीने बड़े बड़े तब्दीलियां मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए इनको नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात कि तीन वक्री सैयार यानी राहु केतु और शनि का कंबाइन होना, यानी इन तीनों का वक्री होना सबसे बड़ी बात, ये भरपूर फायदा तमाम लिब्राज को देता हुआ नजर आएगा और लिब्राज की लाइफ में बड़े चेंजेस का आना। और जैसे हमने कहा कि शनि का वक्री होना यानी आइंदा 4.5 महीने तक 30 जून 2024 से लेके 14 नवंबर 2024 तक इसका वक्री रहना, डबल घरों का फायदा देना, उसके बाद मार्गी होकर डायरेक्ट फायदे देना, ये भरपूर तरीके से आइंदा 8.5 से 9 महीने भरपूर फायदा उठाते हुए विरगोस देखेंगे। लेकिन फिर आगे जो हमने कहा कि 5 महीने तो वैसे ही इसमें इंक्लूडेड है, यानी ये 5 महीने 31 दिसंबर 2024 तक ये 5 महीने यानी अगस्त से दिसंबर भरपूर फायदा उठाते हुए और ये तीनों वक्री सैयारों का फायदा उठाते आप लोग देखोगे। खासतौर पे केतु का चांद के नक्षत्र पे जाना यानी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट का पड़ना, यानी हर लिहाज से ये भी आपके दौलत, इज्जत, शोहरत और आपके पैसों के मामलात को बेहतर करता हुआ नजर आएगा, मामलात को सही करता हुआ नजर आएगा, रिपेयर मोड से लाइफ को गुजारेगा। तो राहु और केतु तो ये काम कर रहे हैं, शनि का हमने बता दिया कि नवादिशात बनी रहेंगी, हर लिहाज से इसका वक्री होना और मार्गी होना दोनों सूरतों में आपको फायदा देगा तमाम लिब्राज को, और आपके माइंड का, आपके इंटेलेक्ट का बढ़ना, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, हर लिहाज से सख्त मेहनत करना, क्योंकि ये शनि का साल है, आप सब जानते हैं 8 नंबर का साल है और जो उसमें मेहनत कर गए, स्पेशली जो लिब्राज मेहनत कर गए तो भरपूर फायदा उठाएंगे, और इनका 100% एफर्ट्स का देना, प्रोफेशनलिटी का दिखाना और सख्त मेहनत करना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेंगे वो इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। 5 महीने जितनी मेहनत कर ली आइंदा सालों में उसका फल खाते हुए नजर आओगे, यानी हर लिहाज से राहु केतु शनि ये ट्रायंगल बनाता हुआ वक्री प्लैनेट्स का ये तो भरपूर फायदा देगा। लेकिन फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर शनि का गुरु के नक्षत्र पे जाना, यहाँ शनि आपको गुरु का फायदा यानी जुपिटर का फायदा देंगे, तो जुपिटर भी यहाँ शामिल हो जाता है और जुपिटर काफी हद तक लिब्राज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उनके लिए, जुपिटर के लिए किस्मत का आपके पीछे लगा देना, यानी किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। जुपिटर रिलीजियस एक्टिविटी का सैयारा माना जाता है, तो रिलीजियसली आपको एक्टिव रहना यानी मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, नमाज की पाबंदी या जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स का करना, इससे भरपूर फायदा उठाते भी नजर आओगे। लेकिन शनि की एक शर्त है, याद रखिएगा, शनि की शर्त यह है, एक तो हार्ड वर्किंग करना, सख्त मेहनत करना और मेहनत से ना डरना, ये चीज 5 महीने में आपको बहुत काम आएगी और हर लिहाज से आगे बढ़ते, तेज तरीन तरक्की करते आप लोग नजर आओगे, अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस शर्त को मानना जरूरी है कि बड़ों का एहतराम करना, अपने से नीचे लोगों को कमतर ना समझना, उनकी भी इज्जत करना, जैसे पियोन हो गए, चौकीदार वगैरह हो गए, इनको भी इज्जत से बात करना, तो ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और आपके ये चारों सैयारों यानी राहु, केतु, शनि और गुरु चारों को बेहतरीन बनाता है, स्ट्रांग बनाता नजर आएगा। जमीन पे पैर रगड़ के जितने भी लिब्राज चलते हैं यानी अभी तक चल रहे हैं, तो ये चारों सैयारे कमजोर करते नजर आएंगे और उनको कोई फायदा होता नजर नहीं आएगा।
और पैसे का ज़िया होना, बुला वजह के खर्चे हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, कंफ्यूज रहना, डबल माइंडेड रहना, इस तरह के मामला होंगे, इससे बचना है तो ये रगड़ के पैर को चलने वाले जितने भी लिब्रास हैं इनको ये आदत बदलनी पड़ेगी। आप खुद ये करके देखो, आप पैर उठा के चलो और 2-3 महीने में कमेंट्स आके आप खुद आप कमेंट्स में आके बताओगे कि क्या बड़े बड़े चेंजेस आपने फेस किए, क्या पॉजिटिव अप्रोच हुई, क्या नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, ये आप देखोगे, क्योंकि चारों सियारे स्ट्रांग होते हुए और भरपूर फायदा देते हुए आपको नजर आएंगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स एंड बीसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।